नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भगवान राम और हनुमान की भक्ति पर एक बड़ा बयान दिया है। बता दें कि बीजेपी नेता ने कहा कि राम और हनुमान पर भाजपा का कॉपीराइट नहीं है, राम का भक्त कोई भी हो सकता है। उमा भारती ने कहा, राम और हनुमान पर भाजपा का कॉपीराइट नहीं है, राम और हनुमान बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है। जब भाजपा का अस्तित्व नहीं था, जब मुगल शासन था, अंग्रेजों का शासन था, तब भी राम और हनुमान थे। अगर हम भाजपा वालों ने ये भ्रम पाल लिया है कि जब हमने आंखें खोली तब सूरज चांद निकल आए, तो फिर ये हमारे लिए विनाशकारी साबित होगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने शस्त्र रखने को लेकर प्रज्ञा ठाकुर का बिना नाम लिए कहा कि शस्त्र लाइसेंस सरकार ही देती है, हिंदुओं के सभी देवी देवता भी शस्त्र धारण किए हुए हैं, शस्त्र नहीं हिंसक भाव बुरा है। उन्होंने कहा कि शस्त्रधारी व्यक्ति अहिंसक और निशस्त्र व्यक्ति भी हिंसक हो सकता है। हमारे मन में क्या है, इससे हिंसा अहिंसा तय होती है। बता दें कि मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग के जिन लोगों पर इंकलाब का नशा चढ़ गया है, उन लोगों ने मध्य प्रदेश की पिछड़े वर्ग की राजनीति की दशा और दिशा बदल कर ही रख दी। मध्य प्रदेश की कदावर नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती का ये बयान उसी आंदोलन से प्रभावित बताया जा रहा है। अभी तक विपक्षी आरोप लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल पिछड़े और दलित वर्ग के नेता की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं और चुनाव के बाद फेंक दिए जाते हैं। लेकिन अब कदावर नेता उमा भारती ने लोधी समाज के एक परिचय सम्मेलन में खुले मन से यह बयान दिया है कि मुझे चुनाव के समय में मुखौटे की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, मेरी फोटो दिखाई जाएगी, मगर आप सबको इस्तेमाल नहीं होना है। लोधी समाज से उन्होंने कहा कि मेरी जिम्मेदारी है पार्टी के नेता के नाते कि मैं आकर के मन से वोट मांगूं, मगर आपको वोट वहीं देना है जहां आपका हक, अधिकार, सम्मान सुरक्षित हो। आगे उमा भारती ने अपने बयान में न सिर्फ खुद के इस्तेमाल होने की बात कही, बल्कि उत्तर प्रदेश के कदावर दिवंगत नेता लोधी समाज से आने वाले कल्याण सिंह जी की भी फोटो को दिखाकर वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने की बात कही। उन्होंने कहा कि वैसे हमारी कहीं नहीं दिखाई जाती, लेकिन जब चुनाव आता है तो हमारी तस्वीरों का इस्तेमाल वोट लेने के लिए किया जाता है। वैसे मेरा फोटो कभी नहीं दिखाया जाता, चुनाव आते हैं तो दिखाया जाता है। कल्याण सिंह जी का भी यही हाल है, वैसे फोटो नहीं दिखाएंगे लेकिन चुनाव में दिखाएंगे, तो आपका दिल आ जाता है कि हमारा नेता जिधर है हम भी उधर ही जाएं। आपको अपने अधिकार के लिए लड़ना है, उमा भारती ने और भी ज्यादा सख्त लिहाजा इस्तेमाल करते हुए कहा कि मैंने आपके वोट बैंक की रजिस्ट्री नहीं करा दी है, मैंने आपके वोट बैंक का पट्टा नहीं लिख दिया है, इसलिए मेरा काम है पार्टी नेता के नाते वोट मांगने आना, लेकिन मेरे कहने पर एक पार्टी विशेष को वोट कतई मत देना, क्योंकि मैं तो अपनी पार्टी के निष्ठावान सिपाही हूँ, लेकिन मैं आपसे थोड़ी अपेक्षा करूँगा कि आप पार्टी के निष्ठावान सिपाही होंगे, नहीं आपको अपने आसपास के हित देखना होगा। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बयान मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत कर सकता है, क्योंकि पहले ओबीसी महासभा ही आग जला चुकी है, उसमें घी डालने का काम उमा भारती का बयान कर चुका है। क्योंकि मध्य प्रदेश में समाज एक बड़ी तादाद और हैसियत रखता है, उनमें से 27 विधानसभा ऐसी है जहां वोट बैंक के बिना जीत हार नहीं हो सकती। अगर लोधी करवट बदल देता है तो नरेंद्र मोदी तक की कुर्सी हिल सकती है, इसलिए इस बयान के बचाव में भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया उतर गई है और उसने बताना शुरू कर दिया कि इस वजह से उमा भारती बयान दे रही है, नाराज है। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रीतम लोधी, जो बताया जाता है कि उमा भारती के कहीं से रिश्तेदार भी लगते हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित किया गया क्योंकि उन्होंने पुजारी, पुरोहित और कथावाचकों के खिलाफ एक मंच से सार्वजनिक तौर पर बयान दिया था। वहाँ से निकलने के बाद ओबीसी महासभा ज्वाइन करते हैं वो, और ओबीसी महासभा के एक बड़े नेता महेंद्र सिंह लोधी मिलकर के तमाम सारे पिछड़े वर्ग के नेताओं के साथ पूरे मध्य प्रदेश में जन आंदोलन खड़ा कर देते हैं। महेंद्र सिंह लोधी बताते हैं कि ओबीसी महासभा से उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश, बहुत तेजी से लोधी समाज एकजुट हो रहा है। माना जा रहा है कि ओबीसी महासभा के कार्यक्रमों में उमड़ रही भीड़ से उमा भारती को कुछ हौसला मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बहुजन हलचल। आप सभी के लोकप्रिय बहुजन हलचल न्यूज चैनल को देखें, देश और दुनिया की वे खबरें जो कोई न दिखाए। सभी सत्य खबरों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाएं और देखते रहिए बहुजन हलचल।